हेलो दोस्तों, आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि कौन सी बीमारी कहाँ से चली आए कहना थोड़ा मुश्किल है। अब जब खाने पीने की चीज़, ओढ़ने पहनने की चीज़, इवन कि घर के दीवारों पे लगे हुए पेंट से भी जब बीमारियाँ फैलने लगे, तब तो बचाना खुद को बड़ा मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं लेड पॉइजनिंग के बारे में और उसके ट्रीटमेंट को लेकर के। लेड एक हेवी मेटल है और जब उसकी मात्रा शरीर में तय सीमा से ज़्यादा हो जाती है तो शरीर के बहुत सारे ऑर्गेन्स को, टीसीज को डैमेज करने लगता है। मतलब ये हुआ कि अनेक ऑर्गेन्स के लिए लेड की बढ़ी हुई मात्रा जहर के समान होती है। तो आइए बात करते हैं हम लोग EDTA के बारे में। देखिए, इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसका उपयोग लेड प्वाइजनिंग को दूर करने के लिए किया जाता है। वास्तव में यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिसके कारण शरीर में जो लेड की जो अत्यधिक मात्रा होती है वो अवशोषित हो जाती है और पेशाब मलमूत्र से लेड की जो एक्सेस मात्रा होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये है, इस कंपाउंड को अगर हम लोग कहें तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये लिखा हुआ है इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसेटिक एसिड। अगर इसको एक फॉर्मूला के रूप में हम लोग लिखें तो ये लिखा हुआ है CH2 है, ये यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है CH2COOH और एक और CH2COOH और एकदम सेम टू सेम इस नाइट्रोजन से भी दो COOH इधर हो गया और एक हो गया ये CH2COOH। तो इस कंपाउंड का नाम है इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब दोस्त, होता यह है कि अब यहां से आप ये हाइड्रोजन जो है अगर यहां से निकल जाए तो ये आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और तब इसे हम लोग कहने लगते हैं, इसमें से जब हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है EDTA4- और एक लिगेंड की तरह काम करने लगता है जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तब ये हो जाता है जरा ध्यान से देखेंगे CH2COO- CH2COO, ये माइनस हो गया और सेम वे में CH2COO- है ना, कमाल का फॉर्मूला स्टूडेंट्स। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको, सॉरी यहां पर माइनस रहेगा, आपको ये बताना है अगर एक लिगेंड है तो इस लिगेंड को बताना है कि कितने एटम्स हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में सक्षम हैं। मतलब यह लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कौन कौन से एटम हैं जो लोन पेयर, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयर करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में तैयार है। तो हम आपको बता रहे हैं, जरा देखिएगा, ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। इसका मतलब कुल मिला के देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मतलब हेक्साडेंटेट आप कह सकते हैं कि एक लिगेंड है और ये कैसा लिगेंड है, तो ये है हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो याद रखना है दोस्त कि हेक्साडेंटेट लिगेंड जो हेवी मेटल्स होते हैं उनके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, एक्चुअली किलेट का निर्माण करता है और जो कि आपके लेड प्वाइजनिंग के इलाज में मददगार होता है। धन्यवाद।